नमस्कार, सोशल सिटी प्राइम न्यूज चुनाव विकास और समीकरण में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष उपाध्याय। आज हम लोग हैं ग्राम पंचायत राज माधोपुर में और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय मुखिया प्रत्याशी सह प्रतिनिधि सह समाज सेवी रवि कुमार मिश्रा उर्फ राजा बाबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया मेरे पंचायत के लिए, धन्यवाद इसके लिए। पंचायत में, चूंकि आपके पंचायत में एक बहुत ही पुरानी प्रथा चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी मुखिया की, क्योंकि एक ही परिवार लगभग पिछले 15 या 20 वर्षों से मुखिया बनते आया है, तो इस प्रथा को किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक ये राजतंत्र प्रथा के रूप में हम लोग देखते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार का मुखिया हमारे पंचायत के जो सुदूर देहात जो हम लोग का है वहाँ समझा के बुला के फुसला के पीढ़ी दर पीढ़ी अपना काम निकाल रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रथा को खत्म करना है और एक राजतंत्र प्रथा चलती आ रही है मेरे हिसाब से, मेरे देख रेख में। तो उस राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र आप लोग? जी, लोकतंत्र है, सबका लड़ना है, चुनाव में सबको लड़ने का हक है, लेकिन इस पीढ़ी दर पीढ़ी को खत्म करने का जो मुहिम है मेरे गांव के पंचायत के लोगों ने शुरू किया है, जिसका बागडोर मेरे हाथ में दिया है और यही हमारी कोशिश रहेगी कि इस पीढ़ी दर पीढ़ी को मैं खत्म करूं, पंचायत का लोगों का जो विश्वास है उस विश्वास पे मैं खरा उतरूं। क्या क्वालिफिकेशन रही है? मेरी बीएससी एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर से आपने बीएससी किया? जी। राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहां से मिली, कैसे आपको लगा कि? देखिए, मेरे यहाँ दोनों समाज के लोगों के सामाजिक जो भी कार्य होते हैं, मजहबी जो कार्य होते हैं, उसमें मैं बचपन से ही रहा हूँ, जब से अपनी स्थिति संभाली है तब से लगा रहता हूँ। लोग मेरे हाल को चाल को समझते हैं, बुझते थे और समाजों के बीच में मैं रहते आ रहा हूँ। मेरे पिताजी भी सामाजिक हैं, बचपन से बहुत गरीबी हमने देखा है, उसके बाद लोगों के प्यार से हम लोग आज एक जहाँ खड़े हैं लोगों का प्यार ही मिला है किसी ना किसी रूप में। उसके बाद लोग मेरे चाल को ढाल को समझ के मेरे सामाजिक कार्य को देखने के बाद लोगों से ही प्रेरणा मिली कि नहीं, अगर इस पीढ़ी दर पीढ़ी को ख़त्म कर सकता है तो एक ब्राह्मण का पुत्र जो है, ये सामाजिक लड़का है, यही ख़त्म कर सकता है। इसी हिसाब से मेरे पंचायत के लोगों के कथना अनुसार मैं इस मुहिम में आया हूँ और उनके हिसाब से ही इस मुहिम को खत्म करने में एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ। आपके पंचायत में टोटल कितने वार्ड है? 13 वार्ड है। कितने वार्ड ऐसे हैं जहाँ की जनता नल जल योजना का लाभ ले रही है और कितने वार्ड अभी भी शून्य से वंचित है? देखिए, मेरे हिसाब से 2-3 वार्ड शून्य से वंचित है, लेकिन मेरे यहाँ नल जल योजना मुखिया प्रत्याशी के द्वारा नहीं कराया गया है, एक विभाग के द्वारा कराया गया है, जिसकी लापरवाही अभी 2 दिन पहले मेरे वार्ड में एक भैंस, गर्भवती भैंस के रूप में देखी गई है। वहाँ बिजली का करंट जो नल जल योजना का था, बगल में सटा नहर के पानी में प्रवाह हो गया, विद्युत प्रवाह हुआ और एक गर्भवती भैंस उसमें मर गई, जिसके मुआवजा के लिए हम लोग सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन संवेदक जो हैं नल जल के जो ठेकेदार कराए हैं आज तक अभी तक देखने नहीं आए कि उस पीड़ित परिवार का जो 60,000-70,000 का नुकसान हुआ, अभी तक कोई देखने नहीं आया विभाग के रूप से और ना ही संवेदक के रूप में। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, इससे आप सरकार को क्या अपील करेंगे? मैं सरकार से अपील करूंगा कि अपने विभागीय कार्य जो विभाग के द्वारा कराए गए, सरकार उस पर ध्यान दे, प्रभारी साहब को थोड़ा सा टाइट करें, क्योंकि सुदूर देहात में शहर के कुछ लोग जो पढ़े लिखे रहते हैं वो लड़ के झगड़ के अपना हक ले लेते हैं, हम लोग देहात में ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है। हम धीरे धीरे लोगों में जागरूकता ला रहे हैं कि हम भी लड़े सरकार से, अपना हक के लिए लड़े, सरकार को जगाएं, अगर सोई हुई सरकार है तो उसको हम जगाएं, अपने हक के बारे में बात करें और सरकार से अपील करेंगे कि अपने में थोड़ा सा सुधार हो, ग्रामीण क्षेत्रों पर सरकार थोड़ा नजर रखे, क्योंकि बहुत ही पढ़े लिखे ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहते हैं। पंचायत की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी जिससे आपकी जनता अभी भी जूझ रही है? आपके पंचायत की मुख्य बेसिक समस्या क्या है? मेरे पंचायत की मुख्य समस्या बालिकाओं, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है पंचायत में, ना उनके रोजगार के लिए सुविधा है, ना उनके शिक्षा के लिए उतना उत्तम सुविधा रखा गया है। उसके बाद हमारे यहाँ जो 60 साल से एवं हो चुके हैं वृद्धा पेंशन आवास लेने के लिए सुविधाजनक, माता बहन भाई या चाचा बाबा जो भी जो एज कंप्लीटेड कर चुके हैं उनके लिए पंचायत में शून्य प्रकार का पॉलिसी चलता है हमारे प्रतिनिधि के द्वारा, हमारे प्रतिनिधि के जितने भी स्टाफ हैं उनके द्वारा, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये लोग बेसिकली अपने रोजगार के हिसाब से चलते हैं कि हम नाली बनवा देंगे तो उसमें इतना मुनाफा हमको मिलेगा, लेकिन वृद्धा के लिए, आवास योजना के लिए, अन्यथा जो भी व्यक्तिगत योजनाओं पर ध्यान नहीं देते हैं, ये अपने मुनाफे वाली योजना पर विशेष ध्यान देते हैं। वृद्धा पेंशन योजना और आवास योजना की क्या स्थिति आपको मिल जाए? आवास योजना 1-2 गांव में कुछ हद तक ठीक है, लेकिन बाकी गांव में, बाकी वार्डों में शून्य है, एकदम ना के बराबर है। ये हमारे प्रतिनिधि की एक पॉलिसी होती है कि हम इस वार्ड में देंगे तो यहाँ से ज्यादा वोट ले लेंगे, इस वार्ड में वोट नहीं मिला तो हम इसको निम्न स्तर पर रखेंगे, जो कि एक उनकी क्षुद्र मानसिकता दर्शाता है।
जीत हार अपने जगह पर है, जीतने के बाद जो भी वोट नहीं दे पाते हैं ग्रामीण, जो उनके दुख को समझ के नहीं दे पाते हैं, फिर भी उनके ही सदस्य हैं, पंचायत के एक सेवक हैं, उनके सेवक के वो सदस्य हैं, सभी पंचायतवासी जो दिए हैं वोट नहीं दिए हैं वो सभी उनके परिवार के सदस्य हैं, लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो ऐसा नहीं समझते हैं, वो छांट के चलते हैं कि भैया इधर हम नहीं करेंगे विकास, ये आवास योजना है तो हम एक दो गाँव में ही रखेंगे, एक दो वार्डों में ही रखेंगे जहाँ से हमें अधिकतर वोट मिले या मिला है। पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे इस बार आप? जनता से यही अपील करेंगे, हम आग्रह करेंगे कि आप लोग इस सोई हुई प्रतिनिधि को अब हटाना है, जो कि वंशावली चली आ रही है, मेरे यहाँ बाबा हैं, बाबा के बाद पुत्र हैं, पुत्र के बाद भतीजा हो जाते हैं, कभी कभी फिर पुत्र आ जाते हैं, तो इस वंशावली को हटाना है, क्योंकि एक लोकतंत्र है, यहाँ सबका मन अगर अच्छा है प्रतिनिधि तभी हम वंशावली चलाएंगे, ऐसा नहीं है कि वंशावली नहीं है, अगर विकास कर रहा है तो ठीक है उसी को विश्वास करेंगे, लेकिन मेरे यहाँ विकास शून्य है, स्थिति बहुत गत्तर चली गई है, लोगों में जागरूकता पहले से अधिक हुआ है, जिसका परिणाम ये है कि आज एक तरफा चुनाव का माहौल मेरे पंचायत के वासी ले जा रहे हैं, मुहिम छेड़ दी है कि नहीं इस बार हम लोग वंशावली खत्म करेंगे, और मेरे हम भी आग्रह करेंगे अपने पंचायत वासियों से कि इस पर ज्यादा ध्यान दें, हम लोग उस मुखिया को हटाएं जो विकास नहीं करता है फिर भी मुखिया बन जाता है, क्यों बनता है, उसकी अंदर तक जड़ तक जाना है कि वो बनता क्यों है, या तो बहला फुसला के बन जाता है, या तो कुछ पैसे खर्चा करके बन जाता होगा, या अलग प्रक्रिया अपना अजमाता होगा, ये सबको हमको तोड़ना है, और विकास जो करे वही प्रतिनिधि हमको चाहिए जो विकास करता है। धन्यवाद, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।